नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल राना वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार से जुड़ी नई नई खबरें। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैं आज फिर आपके लिए कुछ वैकेंसीज लेकर आया हूं। इस बार सारी की सारी वैकेंसीज हैं इंडियन रेलवेज की। दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने निकाली है वैकेंसीज 81 सीनियर एंड जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज के बारे में आपको बताऊँ, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके साथ में जो बेल वाला आइकॉन है वो जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए और आप अपडेटेड रह सकें। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप डिसलाइक करके नीचे कमेंट जरूर करें आपको क्या इसमें कमी लगी, जिससे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकें। और ऊपर ये जो आई बटन में वैकेंसीज फ्लैश हो रही हैं दोस्तों, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, इनकी भी लास्ट डेट अभी नहीं गई है, हो सकता है ये सारी वैकेंसीज भी आपके काम की हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब इन वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। ये सीनियर टेक्निकल एसोसिएट और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की वैकेंसीज, टोटल 81 वैकेंसीज निकाली है दोस्तों। ये एडवर्टाइजमेंट जो है 10 तारीख को पब्लिश हुआ है, और इसकी जो लास्ट डेट है, सबसे पहले मैं आपको वही बता देता हूँ, लास्ट डेट है दोस्तों इसकी 1 फरवरी 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको इसकी स्ट्रीम्स बता देता हूँ। इसमें सिविल, इनके दो डिपार्टमेंट हैं, सिविल और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें वैकेंसी निकाली हैं। तो सिविल में सबसे पहले देख लेते हैं, तो सिविल में दोस्तों एसटीए यानी सीनियर टेक्निकल एसोसिएट की टोटल वैकेंसी है 28, और जूनियर टेक्निकल एसोसिएट की टोटल वैकेंसी है 46, और ये इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और एसटीए के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, और जेटीए के लिए दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा होने चाहिए सिविल में, या फिर बीएससी सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में इनकी टोटल 74 वैकेंसी हैं। अब दूसरा डिपार्टमेंट है दोस्तों सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एसटीए की दोस्तों टोटल 5 वैकेंसी है, 3 जनरल और 1 एससी की और 1 ओबीसी की। और सेकंड है दोस्तों जेटीए जूनियर टेक्निकल एसोसिएट, इसकी टोटल 2 वैकेंसी हैं, 1 जनरल 1 ओबीसी, इसमें भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ हो। और जेटीए के लिए दोस्तों 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से आपने किसी में भी किया हुआ हो, और इसकी टोटल वैकेंसी जो है 7 हैं। और जो एसटी के लिए दोस्तों मेन चीज ये है कि आपने गेट क्लियर किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने 2013 से 2008 के बीच का कोई भी गेट क्लियर किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जेटीए के लिए मेरिट बनेगी दोस्तों, वो उनके जो उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन में मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी मेरिट बनाई जाएगी और सिलेक्शन होगा। और आप अप्लाई करने के लिए जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.cnbnc.in, इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है मैं एक बार फिर बता दूं, 1 फरवरी 2019 रात 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जैसा आप सामने देख रहे हैं दोनों के लिए 33 साल, और ओबीसी वाले इसमें अपने 3 साल ऐड कर सकते हैं, और एससी एसटी 5 साल। आपको आपने ऊपर डिटेल देख ली है रिजर्व कैटेगरी वगैरह की कितनी है। और एक चीज, हाँ मेन चीज ये है दोस्तों, ये सारी की सारी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हैं 1 साल के, और उसके बाद रिन्यू होंगी या नहीं ये इन्होंने इसमें ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया है। और एप्लीकेशन फीस ₹100 जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसमें जो सैलरी है ये इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है, एसटीए की मैक्सिमम सैलरी है ₹37,000 जो कि मेट्रो सिटीज में होगी। टाउन्स में दोस्तों जो छोटे हैं उससे मेट्रो से छोटे सिटीज हैं उनके 34,000, और जो रूरल एरियाज में ₹32,000 होगी। और ऐसे ही इन्होंने जेटीए की मेंशन की हुई है 25,000, 27,000 और 30,000। तो आई होप दोस्त, इसके अलावा आपको जो है डेली अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस वगैरह वो सब अलग से मिलेंगे, मेडिकल वगैरह भी आपका इसमें अलग से मिलेगा। तो दोस्तों आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के काम की होगी। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इस एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें, क्योंकि 11 पेज का है, 11 पेज का ये सारा इसमें बताना बहुत मुश्किल है। तो और आपको इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके काम की होगी। अगर आपको आई होप पसंद तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू, बाय बाय।